दुष्यंत चौटाला के हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही हिसार जिले के मिर्चपुर गांव के एक जेजेपी कार्यकर्ता ने 15 साल बाद अपनी दाढ़ी कटवाई है। 2005 में चौटाला परिवार के हरियाणा की सत्ता से बाहर होने के बाद मिर्चपुर के राजपाल डेविड ने दाढ़ी न बनवाने की शपथ ली थी। राजपाल ने प्रण लिया था कि चौटाला परिवार की हरियाणा की सत्ता में वापसी के बाद ही वह शेव करवाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने अपने इस समर्पित कार्यकर्ता को अपने गृह नगर सिरसा बुलाकर सम्मानित किया और उसकी दाढ़ी कटवाई। दोस्तों, आज हम आपको राजपाल डेविड की पूरी कहानी सुनाएंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राजपाल डेविड के समर्पण के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव के राजपाल डेविड बचपन से ही चौधरी देवीलाल की नीतियों से प्रभावित थे। राजपाल डेविड पिछले कई वर्षों से चौटाला परिवार की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए थे। 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा की सत्ता से बाहर होने के बाद राजपाल ने अनोखा संकल्प लिया। राजपाल डेविड ने कसम खाई कि जब तक चौटाला परिवार हरियाणा की सत्ता में वापसी नहीं करता, वह शेव नहीं करवाएगा। राजपाल इंडियन नेशनल लोकदल के लिए प्रचार करता रहा। पिछले साल चौटाला परिवार के राजनीतिक बंटवारे के बाद राजपाल डेविड दुष्यंत चौटाला की नवगठित जननायक जनता पार्टी के साथ आ गया। विधानसभा चुनाव में राजपाल डेविड दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर जेजेपी का प्रचार करता था। राजपाल डेविड चौधरी देवीलाल की तारीफ में गीत लिखकर उनकी ऑडियो कैसेट भी तैयार करवाता है। राजपाल के पास जेजेपी के प्रचार सचिव का पद भी है। दीपावली के दिन दुष्यंत चौटाला के हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद राजपाल डेविड की कसम पूरी हुई। चौटाला परिवार ने राजपाल डेविड को अपने गृह नगर सिरसा में बुलाकर सम्मानित किया और उसकी दाढ़ी कटवाई। इस मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अलावा अजय चौटाला, नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला भी मौजूद थे। दुष्यंत चौटाला ने राजपाल डेविड जैसे कार्यकर्ताओं को जन नायक जनता पार्टी की शान बताया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से हरियाणा की सत्ता से दूर रहा है, इसके बावजूद राजपाल डेविड जैसे कार्यकर्ता मजबूती से उनका प्रचार करते रहे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी राजपाल डेविड जैसे दृढ़ संकल्प रखने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। दुष्यंत चौटाला ने इस अनोखे कार्यकर्ता की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।